मल्हारगढ़ और पिपलिया मंडी के पास सौकड़ी गांव के अंदर पिपलिया नगर पंचायत की सीएमओ सुश्री गरिमा पाटीदार के द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा एवं जिला कलेक्टर श्री मनोज जी पुष्प और भाजपा जिला अध्यक्ष नाना लाल अटोलिया और मंदसौर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, पिपलिया मंडी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजू पंडित एवं वरिष्ठ नेता श्री मान सिंह माछोपुरिया, श्री मनोहर लाल जी जैन एवं मंडल अध्यक्ष और भी भाजपा कार्यकर्ता एवं पत्रकार एवं समाज सेवी दशरथ जी शर्मा और जिले के संपादक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं सौकड़ी गांव के अंदर विगत कई सालों से पिपलिया मंडी नगर पंचायत के द्वारा एक चेटिंग ग्राउंड बना रखा था, जहां पर पूरे नगर का कचरा एवं गंदगी का अंबार हो रहा था, जिसको लेकर पिपलिया मंडी नगर पंचायत की सीएमओ सुश्री गरिमा पाटीदार एवं पिपलिया मंडी नगर पंचायत के जाबाज इंजीनियर श्री राजेश जी उपाध्याय के द्वारा चेंटिंग ग्राउंड के चारों तरफ साफ सफाई और मिनी गोवा के रूप में विकसित किया, जिसको मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री एवं कलेक्टर ने पैदल दौरा कर चारों तरफ देखा और परखा। वहीं पिपलिया मंडी से हजारों टन कचरा रोज निकलता है, उसको चेंटिंग ग्राउंड पर यूरिया खाद बनाया जाता है ताकि किसानों की फसल में काम आ सके। वहीं पिपलिया नगर की नगर पंचायत की सीएमओ के द्वारा वित्त मंत्री से कहा कि यहां पर कुछ विकास की आवश्यकता है, जिसको लेकर मंत्री जी द्वारा 50 लाख रुपए देने की घोषणा की गई और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा के द्वारा जाते जाते पिपलिया मंडी नगर पंचायत की सीएमओ सुश्री गरिमा पाटीदार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसी काल में हम लोगों ने 2 वर्ष पूर्व जब हमने इस कार्य को शुरू किया था, तब हम सोखड़ी गांव से कचरा लेते थे। सोखड़ी से जैसे ही हम राइटर करते तो हमें ये कचरा लग गया। 2 वर्ष में हमने सबसे पहले तो ये प्लान किया कि हमें किस एरिया में कितनी देर काम करना, क्योंकि ये 19 बीघा की साइट है। 19 बीघा मतलब 5 हेक्टेयर की हमारे पास साइट मिली थी हमें, और 19 बीघा में हमें कचरा मिला था। और ये इसका आवंटन हमें जो हुआ था माननीय मंत्री जी, ये हमको हुआ था 2008 में। ट्रेंचिंग ग्राउंड जो हमें आवंटन हुआ था ये हुआ था 2008 में। और यहाँ पे जब हमने लेगेसी वेस्ट, जिसे हम पुराना कचरा बोलते हैं, इसकी हमने जब इसकी गणना करवाई थी करीबन 5 से 7 हजार टन कचरा। अब हम इसका क्या करें? इंजीनियर साहब पूरी टीम ने ये प्लान बनाया कि इसको हम नेचुरली रेमेडिएट करें। जो खाद बनाने का है था उसका हमने खाद बनाया, और जो कचरा उससे वेस्ट निकल रहा था जो हमारे लिए रिसाइकल रीयूजेबल था उसको हमने बेचा है। माननीय मंत्री जी अत्यंत हर्ष की बात है कि हमने अभी तक 50,000 का खाद दे दिया और 1 लाख का हमने प्लास्टिक ले लिया। इसी 1.5 लाख रुपए का उपयोग हमने यहाँ से सौंदर्यीकरण के लिए करने के बाद कार्य करेंगे।